गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है शहजाद फैमिली व्लॉग में। तो गाइस कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है संडे, संडे में मेरे लिए तो रोज़ ही संडे है क्योंकि छुट्टी है अभी आज क्लासेस की भी, तो मेरे लिए तो रोज़ ही संडे रहता है। तो अभी फुप्पू लोग आने वाले मेरी परसों यानी 6 तारीख को। तो और जैसे कि आप लोगों को पता है जून भी लग गया है, बारिश आई तो नहीं है मुंबई में अभी तक, बट आ सकती कभी भी। तो हम लोगों की ऊपर की जो पूरी प्लास्टिक थी ना तो वो फट गई थी हवा से। तो अब्बा ने दोपहर में जाके प्लास्टिक लेकर आया, सब प्लास्टिक वगैरह लगाया। मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी, ऊपर जब चढ़ूंगी ना तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि पूरी प्लास्टिक चारों तरफ से बांध दी है अब्बा ने। और अभी हम लोग जा रहे जुगल्ली यानी सामान वामान लेने, भाजी गोश्त वोश्त जो भी है ला के फ्रीज़र में रख देंगे। कैसे आज हमारे घर पे भी मेहमान की दावत है, मेरी भाभी के भाई लोग आए हुए तो उन लोगों की भी आज दावत है शाम में, और प्लस फिर परसों भुक्कू लोग भी आने वाले। तो हम लोग बोले चलो के एक ही साथ जाके भाजी तरकारी लेके आ जाएगी, फिर जब सब आ जाते तो कहीं जाना नहीं होता है। फिर मैं अभी दोपहर में अभी रहूँगी नहीं, मैं आज छुट्टी है तो अभी हम लोग भी जा रही है मेरी मैरी, मैं और अम्मी जा रहे हैं। अब्बा तो अभी तक के ऊपर ही है, वो सब काम करे, झाड़ू वाड़ू सब मारे उन्होंने, कचरा गिरा है। तो मैं ऊपर आप लोगों को जब जाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। तो चलो अभी पहले निकलते जुगल्ले के लिए, जाके पहले सामान लेते हैं। तो इसे आप चलिए, मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा बाज़ार खरीदने का है, थोड़ा शॉपिंग कर लेती, थोड़ा सा भाजी वाजी लाने का है तो यार ले लेती हूँ क्योंकि मेरी ननद आने वाली है। पता नहीं 6 तारीख को बोल रहे आने का, 6 तारीख को कल बैठे है क्या? अभी तो अजमेर में शायद कुछ, अजमेर लोग पहुँचे हैं अभी, यहाँ बम्बई में एक दिन में पहुँच जाएंगे लोग, बच्चों को सुबह आ जाएगी। तो मेरे जो सामान उन्होंने थोड़ा ला के रख देती हूँ क्योंकि फिर लाने वाला कोई रहेगा नहीं, फिर उसके अब्बा भी काम पे जाते हैं, ये भी नहीं रहती है, फिर मैं घर में कितना मतलब कहाँ भागूंगी ना। घर में रहेगा तो फटावा पका सकती हूँ, लेके लेके फटावा बना लूँगी। तो चलिए फिर जुगल्ली में मिल लोग पहुँच गए जुगल्ली, और अम्मी ले रहे चिकन, बाजू में गोश्त की दुकान बंद है, और ये रही जुगल्ली मार्केट जो कि अभी फ़िलहाल खाली है, वरना एनी टाइम हमेशा इधर पे बहुत रश रहता है क्योंकि अभी 6 बजे के बाद बहुत ज़्यादा गर्दी हो जाती है। हम लोग थोड़ा जल्दी आए तो मार्केट खाली है, वरना तो अभी ऐसे हो ही जाएगी गर्दी क्योंकि यही टाइम रहता है भाजी वाजी खरीदने का, है ना। और गर्म देखो, इसमें नायलॉन ड्रेस पहनी है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसको भी पसीने आ रहे हैं। अंदर जैसी मार्केट के घुसे दिख गया है गर्दी, मैं बोल रही थी गर्दी नहीं है बट यहाँ पे है बहुत ज़्यादा गर्दी है। चलो चलो साइड साइड से चलो, माशाल्लाह यहाँ पे अच्छी मार्केट लग रही है। गरम 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 गरम, मेरे अम्मी अभी लहसुन 40 रुपया पाओ, बहुत महंगा हो चुका है लहसुन, है ना, बहुत ज़्यादा तेरी तरह। ले लो ले लो ले, हर भाजी तरकारी बाबा सब महंगी हो चुकी है बहुत। लोग भर रहे लहसुन क्योंकि ये वाले नहीं ले रहे, छुट्टे लहसुन ही ले रहे, तोड़ने में भी बहुत प्रॉब्लम होती क्योंकि हम लोगों को ही अदरक लहसुन के लिए छिलने का है ना, ये इसीलिए तो बोल रही हम लोगों को ही वो छिलना, इसलिए काई के लिए इतनी मेहनत करने का। हम लोग गोश वोश ले लिए, अभी अम्मी ले रहे भाजी, तो पहले लिए उन्होंने गवार की भाजी और देख रहे अभी दूधी, हरी हरी भाजी लग रही है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छी मार्केट लगती है, इसलिए हम लोग सब यहीं से ही लेते हैं जुगल्ली से जो भी रहता है भाजी का सामान, यहीं आते या तो अंधेरी मार्केट जाते। ले रहे गरम मसाले जो कि राशन क्योंकि ख़त्म हो गया है, तब ये गरम मसाले अम्मी ले रहे और मैंने अपने लिए नाप का भी, हम लोगों ने सब सामान वामान ले लिए और हालत भी बहुत ख़राब हो गई है। अभी आ गए थोड़ा सा गन्ने का जूस पीने के लिए, गन्ने का जूस पिएंगे। हाँ ना बाबा, थोड़ा सा इतना सा घूमे, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी बाबा, पसीने पसीने निकलते, बहुत बहुत गर्मी ना। मैरी ने भी मेहंदी की कोन ली है, ये रही बहुत दिन से लगाने का दिल कर रहा है, उसने 2 कोन लिए, मैंने नाखून की मेहंदी की कोन ली। मेरी को कलर तो माशाल्लाह अच्छा आया मेरी कोन का, बट फिर भी नाखून में। हम लोग मार्केट से आ गए घर पे और ये देखिए मैंने नोज रिंग वापस ली, मेरी ये रिंग निकल जाती है, रिंग नहीं क्या बोलते, नोज रिंग, हाँ बराबर, तो ये गिर जाती है बार बार क्योंकि ये देखो ऐसी 1 डायमंड की है, पतली सी एकदम डायरेक्ट जाती है, और जब सोती हूँ टेढ़ा मेढ़ा
तो ये गिर जाता है। कम से कम ये मेरा नहीं नहीं बल्कि अब तक का 15 से 20 होएगा ये गिर जाता। अभी मैंने एक एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, देखो इसको। मैं पता है ना उसके साथ रहती हूँ ना, और उसकी इतनी नोज रिंग्स चेंज होती है ना, क्या बोलेंगे बहुत, क्योंकि क्या करो अभी गिर जाता है ना। अरे शोरमा लेके आए थे क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी थी। देखो इन लोग को, ये देखो अब्बा अब्बा थक गए। अम्मी तो अभी दुकान में ही आए नहीं है, दुकान में बोल रही है, अम्मी दुकान पे अभी तक आए नहीं है। तो लोग चलो खा लो भूखे बेचारे लोग बहुत। यहाँ पे अभी बनने जा रहे खाने की तैयारी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताई आज हमारे घर पे मेहमान लोगों की दावत है। तो अभी अम्मी बना रहे चिकन का पुलाव ना अम्मी, तो अम्मी बना रहे चिकन का पुलाव। तो चलो जब तक ये सब कट कर लेते हैं। क्या सलाम करो बिचारी की अम्मी, इसको छोड़ के अभी तक अंधेरी गए, अभी तक आए नहीं ना अम्मी। याद आ रही है, रो रही है, मेरे को तो नहीं दिख रहा तू रो रही है। झूठी, घर पे रो रही थी, निकल झूठी, बहुत नौटंकी। चलो सब अम्मी देखो सामान निकाल रहे, चलो सब काट लीजिए। हम लोगों ने आज ही काली नया लिए हुए है, तो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं, आई होप अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं गाइस, बस खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं, आ जाओ खाना खाने की। तो अभी तक मेहमान लोग आए नहीं, मतलब अभी उन लोग अंधेरी से आए। अच्छा लग रहा है वाकई, है ना, मस्त लग रहा है, अच्छा है, एकदम कंफर्टेबल है। अभी इसी के ऊपर अभी उन लोग भी आते ही होंगे। हाँ ये बहुत बड़ा है, मतलब अभी हम लोगों ने इसको ऐसे दो पदर करके ही बिछाए हुए, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे खाना भी बन गया, ये देखो मेरा कुचुम्बर। और यहाँ पे कैसे हटाऊंगी मैं इसको, क्योंकि कैमरा गरम है ना, संभाल के संभाल। ओ तो ये देखिए गाइस, ये बन गया, हम लोगों का पुलाव भी बन के रेडी हो गया है, ये कुचुम्बर भी बन गया है, चिकन पुलाव है ना पुलाव बने। हाँ। और इस पे अम्मी ने दूध गरम कर दिया, सुबह के लिए दूध भी गरम कर दिए, क्योंकि दूध अगर ले रहे हैं ना तो गर्मी फ्रिज में रखने के बाद भी सुबह में ना चाय बना ली तो दूध ना फट जा रहा है, इसलिए मैंने इतना है फ्रिज में रहने के बाद भी चाय बना रहे तब भी दूध फट रहा है। आप लोग देखिए फिर भी फ्रिज में रहने, और हम लोग की फ्रिज मैंने उस दिन बताई थी कि हम लोग एक पे रखते हैं, अभी दो पे रखे तो कितना जल्दी बर्फ बन गया था। इसको मत खोला करो, इसके लिए बर्फ बनता है, इसको पैक रखा करो। किसको पैक ही है, लेकिन फास है ना, फास रखे थोड़ा सा फ्रिज रहेगा ना तो बर्फ नहीं जमेगा। अच्छा तो ये देखिए अब इसका पूरा बर्फ निकल गया है, ये पूरा बर्फ, ये सब गोश्त रख दे, पूरा बर्फ निकल गया। ये पानी की बोतल मेरी पीने के लिए, अब इसके अंदर पूरा पानी जम गया, साफ करना पड़ेगा, पूरा साफ करना पड़ेगा उसको बाद में। ये है भाई और उनकी वाइफ भाभी और इनकी बेटी, वालेकुम अस्सलाम। और ये रहे हमारे अमन भाई, वालेकुम अस्सलाम। हाय शिफा, हाय हाय करो। ये जो माहिर माहिरा आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, आप लोग पूछते रहते हो कौन है, तो ये उनके मामा है ना। कितने लोग तो बोले कि आप लोग के बच्चे क्या, माहिर को ये आप लोग के ही बच्चे है क्या। हाँ तो ये उनके ही मामा मामी, और ये हाय करो। हंसी रही। तो यहाँ पे अभी पंखा लग गया है, जैसे कि पता होगा आप लोग को, तो आराम फरमा रहे, सब ठंडा लग रहा है ना, ठंडा। तो तुम यहीं सोने वाले, मेरा यहीं सोना, मेरा दो दो भाई, मेरा सब कुछ अलग कर दो, अभी अलग कर दो। तो क्या यहीं पे छोटा सा साइड में किचन बना लो तुम, दे दो, मैं यहीं रहूंगा अकेले। अकेले रहेगी बोलते, देख रहे अभी कल जाएगी। परसों कब जाने वाले भाई? परसों। हाँ परसों जाएगी शिपा, चली जाएगी, खाली देखो भाग रही, अब मेरे पीछे आएगी। हाय करो, तू चले मेरे पास रहेगी, खाली हंस रही है, कुछ बोल रही नहीं है। देखो फिर कंप्लेंट कर रही है।
ये देखो गरारा, देखो बाप रे पहनी है, मुझे दे दे। अरे मे वाह, मुझे देगी ना, मैं भी पहनू। एक दिन की लेना है, एक दिन की ले, सिर्फ एक दिन की लेना प्लीज ना, एक ही दिन की ले, एक ही दिन की ले, एक ही दिन की ले। नहीं जा रही शिफा, फ्लाइंग किस दो, आए बाय। अभी आओगे ना वापस? हाँ वो ना कल आएंगे, बोल दे, बोल दे कल 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 जाएंगे, बोल दे जाएंगे। चलो क्या है मुँह में कांडी, देखो कैसा कांडी, खाना खा के गोश अटक गया था लगता है, कांडी है रे बाबा। चलो नीचे चलो, उतरो उतरो, संभाल के उतरो भाभी, भाई भाभी का दुपट्टा संभालो। हाँ चलो चलो, नहीं दे रही आके, अभी लो तुम, चलो नीचे साथ में, चलो चलो संभाल के उतरो अम्मी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का खाना हो गया और मेहमान लोग भी चले गए खाना वाना खा के, तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आई। जब कोई घर में मतलब मेहमान आता है तो अच्छा लगता है, तो बस हम लोग भी, उन लोग भी चले गए, हम लोग भी फिर खाना वाना खा के बिस्तर लगा के बस जा रहे थे सोने। और मेरे को ना देखो कैसे पिंपल आए, बहुत दुख रहे हैं। और मैंने नाखून में जो मेहंदी लेके आई थी मैंने लगा ली, क्योंकि मैं बहुत बेस्ट हो रही हूँ, मेरे को सब्र ही नहीं होता है, तो मैंने नाखून में ये खाली जो रहता है ना नाखून वाली मेहंदी जो गली से मैंने ली थी, मैरी ने दो कोन ली थी, तो मैंने ये वाली तो मैंने लगा ली नाखून में। फिर कल अगर टाइम रहा तो मैं सामने हैंड पे मेहंदी लगाऊंगी। अम्मी को भी अभी मेहंदी लगाने का, बट अभी अम्मी को जैसा टाइम मिलेगा उनको तो मैं वैसे उनको लगाऊंगी। और मैरी ने दो कोन लाई है, लेकिन वो बोली कि मैं लगाऊंगी अपने हाथ में, मतलब वो खुद लगाई अपने हाथ में, बोली मैं अभी बहुत दिन से नहीं लगाई हूँ ऐसे, मतलब प्रैक्टिस कर लूँगी, तो उसने उसके लिए लेकर आई है प्रैक्टिस के लिए, और मैं तो प्रैक्टिस कर ही रही हूँ। तो बस चलिए गाइस, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अब्बा तो चले गए मस्त टेरिस पे सोने, जैसे कि वो बोल रहे थे कि उनको टेरिस पे ही सोना, और वाकई में वो टेरिस पे चले गए। तो ये और अम्मी तभी नीचे सोए गए, मैं भी जा रही हूँ ऊपर सोने के लिए, क्योंकि मैं ऊपर ही सोती हूँ, ऊपर बहुत ठंडा लगता है। तो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ, बाय, लव यू ऑल। लेट मी अप विद अ ब्राइट स्माइल ऑन नाउ, मी इन द डार्क सो वोंट गेट लॉस्ट नाउ, टू द मूनलाइट आई सी यू, आई रियल राइट नाउ।